वेलकम बैक टू दी चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, केबीसी ने मौका दिया है कि आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला जो रजिस्ट्रेशन हुआ था मई में, अगर वहां पे अभी तक आपको कॉल नहीं आई, आगे आपका कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, तो आप दोबारा से फिर से रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है? सोनी लाइव ऐप पे। क्या ये ऐप जो है आपकी पेड रहेगी या आपकी फ्री रहेगी? तो दोस्तों, इसके लिए कुछ भी पेड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल में सोनी लाइव ऐप है, उसको यूज करते हैं, उसके आप जो एक तरीके से व्यूअर हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी किसी भी वीडियो के झांसे में ना है कि आपको कुछ पे करना होगा, 999 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो इसीलिए मैं लेट बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास भी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है सोनी लाइव ऐप का, लेकिन मैंने सोनी लाइव से अगर रजिस्टर किया है तो मैं उस पर अच्छे से कर पा रही हूँ और मैं क्वेश्चन का आंसर भी सबमिट कर पा रही हूँ। तो आज यानी कि 25 जून से आज से लेकर 3 जुलाई तक आपसे हर रोज सेम उसी प्रोसीजर में रात को 9 बजे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको देना होगा। तो दोस्तों, जैसे आज क्वेश्चन पूछा गया है 25 जून को, तो इसका आंसर आपको अगले दिन 26 जून को 8:59 से पहले देना होगा, यानी कि 9 बजे से पहले आपको यह आंसर देना होगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। फिर क्वेश्चन होता है कि मैम एक ही क्वेश्चन का आपको रजिस्टर करना है, एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, सारे के सारे? तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई 400 लग नहीं रहा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं पता कौन सा आपका क्लिक करे, क्योंकि ये रैंडमली पिक होता है, तो वो आपको चेक करना है कि सारे के सारे क्वेश्चन है, उनका आप सबका आंसर दे। तो कैसे आपको मोबाइल ऐप से रजिस्टर करना है, इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो रहेगी कि मोबाइल से केबीसी का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, कौन बनेगा करोड़पति के लिए। तो सोनी लाइव ऐप से हम देखेंगे कि सोनी लाइव ऐप के जरिए आपको कैसे रजिस्टर करना है, कि कैसे आप अपने मोबाइल के थ्रू केबीसी 12 सीजन के लिए, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति 2020 के 12वें सीजन के लिए अपने आप को मोबाइल से रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर आपको ऐप जो डाउनलोड करनी है वो है सोनी लाइव ऐप। ये वाली ऐप है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको आपको इंस्टॉल करना होगा और यहाँ पर इसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था वो था एसएमएस के जरिए, यानी कि आप एसएमएस के जरिए भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कल रात 9 बजे से शुरू हो चुके हैं, यानी कि 9 मई से 9 बजे के लिए ये शुरू हो चुके हैं, और 22 मई तक आपको हर रोज कोई ना कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आंसर आपको अगले दिन 9 बजे तक करना होता है, यानी कि आपको टोटल 24 घंटे का टाइम मिलता है। तो ये ऐप हो गई है डाउनलोड, इसको हम करेंगे ओपन। सोनी लाइव ऐप है ये, जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये मैंने डिवाइस को लोकेशन दे दी है, ओके। आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ करेंगे, इंग्लिश हिंदी जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं। मैंने इंग्लिश चूज़ करके कंटिन्यू कर दिया है। ये देखिए, ये ऐप यहाँ पर ओपन हो गई है। आप यहाँ पर फर्स्ट ही देख सकते हैं ये कौन बनेगा करोड़पति के लिए रजिस्टर नाउ, यहाँ पर आपको करना है क्लिक। अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और आप कंटिन्यू कर देंगे। आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, ओटीपी आ गया है, ये ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। वेरीफाई पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ हो जाएगा कि कनेक्ट योर अकाउंट्स। आप या तो फेसबुक के थ्रू या गूगल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं अभी कर रही हूँ गूगल के थ्रू कनेक्ट। मैंने अपनी जीमेल की आईडी से कर दिया है कनेक्ट, तो ये ऐप ऐसे खुल गई है मेरे पास। यहाँ पर फिर से ऑप्शन है इंग्लिश हिंदी, जो भी आप चूज करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, उसको आप टिक करेंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आपको पढ़ने हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कौन बनेगा करोड़पति के नियम के। ये 30 पेज हैं, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हिंदी में है 1 से 30, और फिर है आपके 31 से 51 पर आपको इंग्लिश में भी दिए गए हैं।
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं। FAQs अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं बैक, हमें रजिस्टर करना है तो क्लिक टू रजिस्टर। ये रजिस्ट्रेशन आपको ध्यान रहेगा आपको आज रात 9 बजे तक कर लेना है, यानी कि 10 मई को 9 बजे तक आपको कर लेना है। अब यहाँ पर OTP आ गया है, अब मुझे ये OTP यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको बताना है व्हाट इज योर जेंडर, मेल है फीमेल है या अदर, तो फीमेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट एज ग्रुप डू यू बिलोंग टू, कौन सी एज ग्रुप में आप आते हैं। 1 मई 2020 तक, 2020 तक आप कौन से ग्रुप में आएंगे, 18 से 24, 25 से 30, 21 से 31 से 40, 40 से 50, 51 प्लस। तो मैं 25 से 30 हूँ तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट, टेल अस अबाउट वेयर यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं, आप कौन से स्थान से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। मुंबई या दिल्ली के लिए आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, गुजरात दादरा नगर हवेली के लिए, फिर महाराष्ट्र के लिए, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर राजस्थान लद्दाख यहाँ के लिए, इस तरीके से जिस भी एरिया से आप हैं वहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है ये। हैव यू कम्प्लीटेड द ग्रेजुएशन, क्या आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप बोल देंगे यस आप कर चुके हैं। अगर नहीं कर चुके हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नाउ टेल अस अबाउट योर ऑक्यूपेशन, आप क्या हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, CA हैं, कोई और है प्रोफेशनल, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं, शॉपकीपर या बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं या अदर हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी आपके अकॉर्डिंग आपका होता है तो वो आप लिख देंगे। मैंने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई पर क्लिक कर दिया है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर अपीयर करेगा ऐड के बाद, तो आप स्किप कर सकते हैं ऐड को। मैंने स्किप कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वेयर इन चाइना वाज द कोरोना डिसीज 2019 और COVID-19 फर्स्ट आइडेंटिफाई, फर्स्ट कहां पर आइडेंटिफाई हुआ, तो ये हुआ था इसका राइट आंसर जो है वो वुहान बी। तो मैं यहां पर बी पर क्लिक करूंगी और उसके बाद मैंने इसको सबमिट कर देना है। तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया है, यहाँ पर आ भी गया है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड द KBC टीम विल कॉन्टेक्ट यू इन 7 डेज। 7 डेज पर आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे KBC टीम वाले, अगर आप रजिस्टर हो जाते हो और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। तो इस तरीके से करना है आपको आपके मोबाइल के ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन।